संदीप जी, इससे रीजनल प्राइस में क्या बहस लाए? अब ये 1,25,00,000 की जो टी है 85,000 की मात्र दे रहे हैं। सुल्तान की पीछे कटी है, है 1,25,00,000 की मात्र 85,000 में घर पहुंचे। ये 1-10 की जो टी है जो 75,000 की घर पहुंच करवा रहे हैं, जिसमें से 6,000-6,500 पे भाड़ा भी लग जाता है, और यहाँ से भी किसान के घर से लेके आते उसको भी पैसा दे के आते हैं, 3-4,000 वहाँ का भी खर्चा हो जाता है जी। इससे सस्ते प्राइस में क्या उपलब्ध करा सकते? यानी कि 75 वाली में 6,000 रुपए तो सीधा ट्रांसपोर्ट गया, लग जाता है जी 500 किलोमीटर, आज 6,500 में पीछे रहा 69, हाँ जी एक कम मतलब 70 रहा, और किसान के घर से आप भी लेके आए हो तो 3,000 रुपए एक भैंस का खर्चा पड़ता है जी। अच्छा जी, तो पीछे हो गया 66,000 रुपए। किसान ने इसको 2-3 साल पाला है, तो उसको भी कुछ दे के आए होंगे। अच्छा जी, इससे सस्ता क्या उपलब्ध कराएंगे भाई? भी जिस भाई को भैंस अच्छी लगे, देखो वीडियो को अंत तक, भी कॉल करें। कई भाई आधी वीडियो देखते ही भैया आपकी वीडियो देख रहे थे और कॉल लगा लेते हैं, पूरी भैंसों की डिटेल जानकारी पूरा एड्रेस सब कुछ दिया होता है जी इस वीडियो के माध्यम से जी जी। और जी हम कोई गलत चीज अपने कस्टमर को देके खुश नहीं है जी जी। कोई भी भाई को पशु अच्छा लगे, बयाना लगाओ 5,000 रुपए, यहाँ आके 2-3 टाइम मिल्किंग करो, अगर ये अच्छी भी नहीं लगते तो भी आपके 5,000 रुपए रिटर्न कर दिए जाएंगे। ऐसे नहीं है आपने 5,000 रुपए लगा दिए तो आपको भैंस लेनी जरूरी है जी जी। आपको यहाँ 2 टाइम मिल्किंग करो, अच्छी लगे, हमारा व्यवहार अच्छा लगे तो हमें पेमेंट देके भैंस ले जाओ, नहीं तो अपने 5,000 रुपए वापस मिल जाएंगे जी जी। अगर आपने 5,000 रुपया ना लगाकर 2-3 टाइम मिल्किंग कर ली तो उसके बाद अगर आप कहते हो कि हमारे घर के मना कर रहे हैं जी जी, तो 5,000 रुपए बयाना वापस नहीं दिया जाएगा जी जी। ठीक है जी, तो इस चीज का पूरा ध्यान रखें, पूरा देखें वीडियो को, सोचे विचारे फिर बयाना लगाएं जी जी, और फिर मिल्किंग चेक करें जी। यानी कि वीडियो में हर प्रकार की जानकारी दी जाती है, तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट और निवेदन है कि वीडियो को एंड तक देखें। और हम तो ये कहते हैं भाई साहब सबसे बढ़िया काम है यहाँ आओ जी, अपनी देखो अच्छी लगे, कल ना तो हमारे ऊपर कोई बिलेव आए ना आपको भी हमारे साथ धोखा हो गया। जी कहते हैं यहाँ आपको गाड़ी में भैंस के साथ बिठा के रवाना करेंगे जी। जी राम राम भाई साहब, राम राम भाई साहब, राम राम संदीप भाई साहब, राम राम, और वीडियो देखने वाले सभी भाइयों को भी मेरी तरफ से राम राम, धन्यवाद जी। तो भाई साहब अपना यहाँ का प्रॉपर एड्रेस, अपना शुभ नाम और कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करें जी। अपना स्टेट राजस्थान, जिला श्री गंगानगर, गाँव नाथा वाली 2 ML पंचायत लगती है जी, जी। जो गंगानगर और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से 4 या 5 किलोमीटर है जी। तो सभी पशुपालक भाइयों को संदीप स्वामी की तरफ से राम राम, नमस्कार, स्वागत करता हूं जी आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की विजिट के लिए पहुंचे हैं जी हरियाणा डेयरी फार्म, जिला श्री गंगानगर, स्टेट राजस्थान, जो कि भैंसें सेल के लिए अवेलेबल भाई साहब करवा रहे हैं। भैंसों का ही भाई साहब का ज्यादातर काम है। कोई भी भाई यहाँ पर खुद उपस्थित होकर एक देख पढ़कर यहाँ से एक अच्छी भैंस परचेज कर लेके जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में भाई साहब कितनी भैंस सेल के लिए अवेलेबल दिखा रहे हो? 4 भैंस सेल के लिए दिखा रहे हैं भाई साहब, 4 भैंस दिखाएंगे, सभी ब्याई हुई है? हाँ जी, सभी ताजा ब्याई हुई है। तो आशा करते हैं बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में चारों भैंस रहेगी। हाँ जी हाँ जी, हम तो देखो सबसे सस्ते प्राइस में भैंस देते हैं, क्यों हम 2 या 3 हजार रुपए नफे पे काम करते हैं जी। ठीक है, तो अपना माल लमसम गंगानगर में सबसे भाव में ही होता है जी जी। और कई भाई जैसे आके छाना अनूपगढ़ जाते हैं, उनको पशु ना भी मिले और गंगानगर आके एक बार कॉल जरूर करें, हम उन्हें मंदे रेट की भैंस उपलब्ध कराएंगे जी। अच्छा जी, यानी कि कोई भी भाई यहाँ पर विजिट करता है, अगर डेयरी फार्म पर भैंस नहीं पसंद आती तो बाहर फील्ड में भी घुमाकर भैंस के बढ़िया उनके मन पसंद की जो भी छूट लगे उनको उस भैंस पे वो भैंस दिला सकते हैं। अच्छा जी, तो भाई साहब अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करें जी। मेरा नंबर है जी 90792-90784 जी। तो ये नंबर व्यूअर्स आपको नीचे स्क्रीन पर भी मेंशन होंगे। तो आज सबसे पहले दोस्तों एक नंबर पर आपको ये जोटी खोलकर चलाकर दिखाई जा रही है, बिल्कुल छोटे गोल रंग सींग की जोटी है, बिल्कुल ताजा ब्याई हुई है, हाइट लेंथ पीठ बुटा बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बिल्कुल ब्रीक पतली चमड़ी की है। जो अदर क्वालिटी है जोटी की वो भी देख सकते हैं, चारों थनों एक समान दूरी पर है, दूर दूर स्पेस वाले थन है और कोई भी छोटा बड़ा थन नहीं है, यानी कि चारों थन है जो एक समान है, ये आप करीब से भी देख सकते हैं। जो अडर क्वालिटी है वो भी साफ सुथरी अडर क्वालिटी की है, हाइट लेंथ काफी शानदार है, प्रॉपर इसकी डिटेल भाई साहब से लेंगे। तो बच्चे पर ले हो जी। तो मंजीत भाई साहब इसकी प्रॉपर डिटेल शेयर करना जी। भाई साहब ये फर्स्ट ब्यांत में है, फर्स्ट ब्यांत की पहलवान जुटी है जी। अच्छा जी, कितने दिन की ब्याई हो चुकी है? 7-8 रोज की ब्याई है भाई साहब, 7 से 8 दिन की ब्याई हुई है, फर्स्ट ब्यांत के अंदर है। अच्छा जी, 9 से 10 लीटर अभी इसमें खीस तैयार है जी, कच्चा दूध बोलते हैं। 9-10 लीटर यानी कि अभी भी कोई भी भाई 9 लीटर की यानी कि 4.5 लीटर एक टाइम की मिल्किंग चेक कर सकता है, वो 7 से 8 दिन की आप बता रहे हो ब्याई हुई है तो देगी जो
चुकी है 12-13 लीटर की, बढ़िया लोही नस्ल की, पाकिस्तान नस्ल की है जी। 12-13 लीटर दूध निकाल देगी बढ़िया आराम से, 12 लीटर यानी कि आराम से निकाल देगी। अच्छा जी, और प्राइस के बारे में बात करें तो बिल्कुल रिजनेबल प्राइस क्या रहेगा जी? भाई साहब इसका 70,000 रुपए 500 किलोमीटर तक पहुंच करवा देंगे। 70,000 रुपए में? हाँ जी। और जैसे कोई अगर भाई 200 किलोमीटर की दूरी पे हो या 100 किलोमीटर की दूरी पे हो ना, अच्छा जी, तो भाई साहब उसको कोई 1,000-2,000 रुपए और लेस कर दिया जाएगा। अच्छा जी। और 500 किलोमीटर पे है तो उसको 70,000 रुपए पूरे देने पड़ेंगे। और बार्गेनिंग करने वाला कोई भाई प्लीज फोन मत किए, अभी रेट थोड़े महंगे हैं जी। ठीक है जी, 70,000 रुपए में किसी को अच्छी लगे तो दो टाइम आप, यानी कि महंगे है। आपका कहने का मतलब है कि भैंसों की मतलब रेटों में अभी कोई 10-15,000 रुपए उछाल है जी। अच्छा जी, पिछले महीने से जी जी, तो जनवरी आगे ब्याज कम होता है जी। अच्छा जी, उस वजह से। हाँ जी, तो दोस्तों एक बार भाई साहब और चलाना जी झोटी को, तो झोटी काफी शानदार है दोस्तों, बिल्कुल छोटे गोल्ड रिंग सींग की झोटी आप देख सकते हैं। हाइट लेंथ की बात करें तो काफी शानदार है, बिल्कुल बारीक पतली चमड़ी की है। भाई साहब ने बताया कि अभी 9 लीटर दूध इसके बिल्कुल तैयारी का है, ताजा ब्याई हुई है, 7 से 8 दिन ब्याई हुई है। और खारके की झोटी है, फर्स्ट टाइम झोटी है, तो महीने तक झोटी, फर्स्ट टाइम की झोटी है जो महीने तक अच्छी अडर यानी कि अच्छी अडर पूरी दूध पर आती है। नहीं जी, पूरी गर्मी बढ़िया 12-13 लीटर दूध निकालेगी। अच्छा जी, अगले साल मान लो 51 भी होती है तो ये दूसरे ब्याज में 2 रुपए प्लस होके बिकने वाली चीज है जी। अच्छा जी, नया धन है। ठीक है जी, और प्राइस आपने बताया 70,000 रुपए, 77, तो 77,000 रुपए के अंदर 500 किलोमीटर दायरे के अंदर घर पहुंच इसका प्राइस है। यानी कि पंजाब हरियाणा दिल्ली यूपी राजस्थान के क्षेत्र से कोई भी भाई ये झोटी परचेज करता है तो 77,000 रुपए में घर पहुंच प्राइस है। नीचे भाई साहब के स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं दोस्तों, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, ले जाओ भाई साहब। आगे दोस्तों दूसरे नंबर पर एक झोटी देख सकते हैं, हाइट लेंथ बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही शानदार है, फुल हाइट वेट की झोटी है, अडर क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, पीठ पुठे की बात करें वो भी बहुत ही शानदार है, बिल्कुल काली कट झोटी है, यानी कि जो स्किन है वो बहुत ही शानदार है। और जो ये भी ताजा ब्याई हुई है, इसकी एक खासियत देखें दोस्तों, जो इसके पीछे बच्चा है वो बहुत ही शानदार प्योर मुर्रा का बच्चा है आप देख सकते हैं। तो इस झोटी की प्रॉपर डिटेल भाई साहब से लेते हैं, तो हाँ जी भाई साहब इसकी डिटेल बताएं जी। भाई साहब ये सेकंड ब्यांत में झोटी है, सेकंड ब्यांत में है। हाँ जी, आज 3 ही रोज की ब्याई हुई है, मात्र 3 दिन की ब्याई हुई है। और इसके जो पीछे फीमेल काफ है जी, उसके सुल्तान का सिमन रखा हुआ है जी, 3 ही दिन का बच्चा देख लो कितना एक्टिव है, 3 दिन का बच्चा है, सुल्तान बुल का सिमन रखवाया हुआ है। हाँ जी। अच्छा जी, तो बच्चा भी दोस्तों देख सकते हैं, क्या है जी पीछे, क्या है जी, इसके फीमेल काफ है जी, फीमेल काफ लॉटरी तैयार करेगा तो बहुत जबरदस्त, इतनी हाइट की है झोटी की हाइट, आप मान लो बहुत अच्छी हाइट है, मिलती भी नहीं जल्दी। हाँ जी, झोटी 5 फुट से ऊपर है। हाँ जी, 5 फुट ऊपर की हाइट की झोटी है, और सुल्तान के सिमन की इसके पीछे भी फीमेल काफ कट रही है दोस्तों। जो भी किसान मित्र लेगा तो बहुत ही शानदार इसका बच्चा भी तैयार होने वाला है, झोटी भी बहुत अच्छी झोटी है दोस्तों। तो 3 दिन की ब्याई बताई रहे। हाँ जी, अभी 3 दिन के नीचे इसके 11 लीटर कच्चा दूध तैयार है जी, और ये देखो इसके कटिया के नीचे अभी नाड़ूगा एकदम हरा पड़ा है जी जी, यानी कि खीस से खाली है और 10-11 लीटर अभी दूध है। हाँ, ये देखो एकदम जी जी, 10-11 लीटर दूध है, खीस से खाली है। हाँ जी, और ब्यांत ब्यांत सेकंड ब्यांत दूसरे ब्यांत का है। हाँ, दूसरे ब्यांत की झोटी है भाई, चलाओ, दूसरे ब्यांत की झोटी है, 3 दिन की ब्याई हुई है, 10 किलो की कोई भाई मिल्किंग चेक कर सकता है। हाँ जी, 10 किलो की मिल्किंग चेक कर सकता है, और झोटी दूध निकाली कम से कम 15 लीटर। अच्छा जी, 15 लीटर तक दूध निकाल देगी बड़ी, क्यों इतनी आइटलैंड की झोटी है, जल्दी सी मिलती भी नहीं, और ये दूध नहीं निकालेगी तो फिर क्या निकालेगी। अच्छा जी, तो भाई साहब प्राइस क्या रहेगा बिल्कुल रिजनेबल सा लेने वाला इसका जी? 85,000 रुपए 500 किलोमीटर तक पहुंच करवा देंगे। 85,000 रुपए? हाँ जी, 85,000 के अंदर। तो लंबी ऊंची झोटी है जी। हाँ जी, हाँ जी, 85,000 रुपए दोस्तों इसका भाई साहब ने बिल्कुल रिजनेबल प्राइस डिमांड किया दोस्तों। 500 किलोमीटर दायरे के अंदर ट्रांसपोर्ट सुविधा भी फ्री रहेगी जो भी किसान मित्र लेंगे, बहुत शानदार झोटी है दोस्तों, बच्चा भी कोई भाई इसका तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी ब्रीड वाली झोटी का ये बच्चा है दोस्तों, देख सकते हैं हाइट वेट की झोटी है अच्छी, और 85,000 रुपए भाई साहब ने इसका प्राइस दोस्तों डिमांड किया है। दूसरे नंबर पर दोस्तों एक मीडियम हाइट लेंथ की झोटी है, यह भी बिल्कुल ताजा ब्याई हुई है, खोलकर आपको इसको भी चलाकर दिखा रहे हैं, पर बॉडी स्ट्रक्चर इसका बहुत ही सुंदर है,
गुंद में शरीर की जोटी है देख सकते हैं, और पीठ पुठा बहुत शानदार है। और इसकी भी आपको ऑर्डर क्वालिटी करीब से दिखा देता हूँ। गोल्ड रिंग सिंग की है, सिंगों की बनावट आप देख सकते हैं, और चारों थनों के बीच में गैप भी देख सकते हैं। साफ सुथरी सुंदर ऑर्डर क्वालिटी की है, वो आप अच्छी तरह वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। चारों थनों के बीच में गैप भी बहुत शानदार है, ये भी बिल्कुल ताजा ब्याई हुई है, और इसका भी बच्चा देख सकते हैं, बिल्कुल कच्चे बच्चे की जोटी आपको वीडियो के माध्यम से कवर करके दिखाई जा रही है। तो मंजीत भाई साहब, ये जी फर्स्ट ब्यांत में है जी, फर्स्ट ब्यांत में है, पीछे इसके फीमेल ही काफ है जी, अब तीसरे ही दिन है इसको ब्याई को, 3 दिन की ब्याई हुई है, पीछे फीमेल काफ इसके कटड़ी है। अच्छा जी, अभी इसमें 9-10 लीटर खीस तैयार है जी, खाली होने 9-10 लीटर। और एक बात और बताऊंगा संदीप भाई, हाँ जी, मेरे पास जो 4 भैंस हैं जी, उनकी चुआई इतनी नरम है, भले आप बच्चे को बिठा देना, अच्छा जी, इतनी यानी मोटी मोटी धारे हैं, कोई भी बूढ़ छिट्टा नहीं मिलेगा आपको, एक बिल्कुल नरम चुआई की है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। कब की ब्याई है जी? ये 3 रोज की है जी, 3 दिन की ये ब्याई हुई है, खीसे खाली है, दूध दे देगी जी 12-13 लीटर, फर्स्ट ब्यांत में जोटी है जी, अभी फर्स्ट ब्यांत के अंदर है, 3 दिन की ब्याई है, पीछे भी इसके फीमेल काफ है जी, कटड़ी है, हाँ जी, ये भी कटड़ी है। और अभी कोई भाई इसकी मिल्किंग चेक करना चाहे तो बढ़िया, 9-10 लीटर चेक करवा देंगे जी, 9 लीटर की, हाँ 9 लीटर की मिल्किंग है, चेक कर सकता है, यानी कि प्राइस भाई साहब, प्राइस इसका जी 75,000 रुपए, 500 किलोमीटर तक पहुंच करवा देंगे जी, 75,000 रुपए, 75,000 के अंदर, हाँ जी, घर पहुंच इसका प्राइस है, हाँ जी। अच्छा जी, और शरीर बहुत शानदार है जी, जल्दी सी ऐसी कटिया मिलती भी नहीं है जी, जी ठीक है जी। और चौथे नंबर की भी भैंस आप देख सकते हैं दोस्तों, और इसकी भी हाइट काफी शानदार है, बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा, मतलब खून पानी थोड़ा कम है, सही है ना भाई साहब? नहीं, खून पानी वैसे है ना, पानी कम पीती है, सर्दी का टाइम आपको पता, धूप निकलती नहीं। अच्छा जी, तो दोस्तों बाहर का मौसम भी आप देख सकते हैं, धुंध कोहरा छाया हुआ है, तो सर्दी के मौसम में वैसे ही यहाँ पर श्री गंगानगर के अंदर बहुत ज्यादा गर्म सर्दी होती है। सॉरी, 8 दिन हो गए जी, आपने आज थोड़ा सा ये सूरज दिखा नहीं, 8 दिन से कोई धूप नहीं देख के खुश हुआ यहाँ गंगानगर की, 8 दिन से आज अभी भी सूर्य देव थोड़े थोड़े निकल रहे हैं, यानी कि बादलों में अभी भी छाए हुए हैं। अच्छा जी, कद कुद अच्छा जी, वेट अच्छी है इसकी जी, पिट्ठा भी चौड़ा है जी, चौड़े पिट्ठे की है। कब की ब्याई है जी? ये होगी जी 12-13 दिन की होगी, 12-13 दिन की ब्याई है। और ब्यांत कौन सा है जी? इसका तीसरा ब्यांत है जी, तीसरे ब्यांत में 12-13 दिन की ब्याई हुई है। और इसके निकालने वाला कितना दूध है भाई साहब? 13 लीटर दूध तैयार है संदीप जी, 13 लीटर, बच्चे पर ले जाओ जी, 13 लीटर दूध निकालने वाला है, ब्यांत तीसरा है। इसके नीचे मेल काफ है जी, पीछे मेल काफ कटड़ा है, ये कटड़ा है, ठीक है जी, बांधो अंदर ले जाओ, पीछे मेल का कटड़ा है। ब्याई को आप बता रहे हो कितने दिन की? 12-13 दिन हो गई, 12-13 दिन की। तो मेला वगैरह छांट दिया कि नहीं? नहीं, अभी कहां जी। अच्छा जी, तो सर्दी का टाइम है, थोड़ा कम से कम पशु 20 दिन का होके मेला छांटते हैं जी। अच्छा जी, यानी कि मेले पर चलना अभी बाकी है जी। और कितने दूध की मिल्किंग चेक कर सकते हैं? इसका भी 13 लीटर दूध की मिल्किंग चेक करवा देंगे भाई, 13 लीटर की। अच्छा जी, और प्रॉपर दूध कितना निकाल देगी जी? साफ अगर है इसका अच्छा है तो ये 15 लीटर तक तो जानी चाहिए, 15 लीटर तक दूध निकाल सकती है, अनुमान है, यानी कि अनुमान है, जैसे अगर खुला इसकी तो जी अच्छी लगी है तो 15 लीटर दूध, जब थोड़ा मौसम खुल जाए, खाने पीने पूरे लग जाएगी जी, 15 लीटर दूध निकाल देगी, 13 लीटर अभी मौके का तैयार है। प्राइस भाई साहब? प्राइस इसका 82,000 रुपए, 500 किलोमीटर तक पहुँच करवा देंगे, 82,000 रुपए, हाँ जी ठीक है जी।